हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओप्पो रेनो स्मार्टफोन को इस महीने भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने लॉन्च इवेंट के लिए मीडिया इनवाइट्स भेजने शुरू कर दिए हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि ओप्पो रेनो सीरीज को भारत में 28 मई को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने पिछले महीने चीन में ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन और ओप्पो रेनो 5G को लॉन्च किया था। ओप्पो ने अपने इन हैंडसेट में साइड स्विंग सेल्फी मॉड्यूल दिया है। इसके बारे में 0.8 सेकंड में स्पिन आउट होने का दावा है। इसमें सिर्फ सेल्फी पोर्ट्रेट कैप्चर के लिए कैमरा ही नहीं है, यहाँ ईयरपीस, फ्रंट सॉफ्ट लाइट और रियर LED फ्लैश को भी जगह मिली है। मीडिया इन्वाइट से यह तो पता चलता है कि कंपनी भारत में अपनी रेनो सीरीज को उतारने वाली है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी इनमें किसी एक स्मार्टफोन के भारत में लॉन्च करेगी या फिर ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन दोनों को भारत में लिया जाएगा। उनकी भारत में कीमत और उपलब्धता से पर्दा उठना अभी बाकी है। भारत में 5G टेलीफोन नेटवर्क के अभाव के कारण ओप्पो रेनो 5G को शायद अभी भारत में नहीं लॉन्च करेगा। याद करा दे कि ओप्पो रेनो को चीन में मार्केट में 2999 चीनी युआन की कीमत में रखा गया था, यानी कि तकरीबन 30,900 रुपये। यह 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए दाम था। ओप्पो रेनो के 6GB रैम एंड 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 3,299 चीनी युआन और 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल का दाम 2,599 चीनी युआन है। एंशिएंट एक्सट्रीम नाइट ब्लैक ऑक्सी ग्रीन मिक्स्ड पाउडर और नेबुला पर्पल रंग में मिलता है। वहीं ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन की कीमत 3,999 चीनी युआन यानी कि 41,200 रुपये से शुरू होती है। यह दाम 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। 6GB रैम एंड 256GB स्टोरेज मॉडल को 4,499 चीनी युआन यानी कि 46,400 रुपीज और 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज मॉडल का 4,799 चीनी युआन यानी कि 49,500 रुपीज में बेचा जाएगा। यह एक्सट्रीम नाइट ब्लैक और फॉक्सी ग्रीन रंग में आएगा। तो चलिए देखते हैं ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन की स्पेसिफिकेशन। ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड पाई पर आधारित कलर OS 6 पर चलते हैं। ओप्पो रेनो में 6.4 इंच का फुल HD प्लस पैनोरमिक AMOLED डिस्प्ले है। यह 93.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 6th जनरेशन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। ओप्पो रेनो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। जुगलबंदी के लिए 6GB और 8GB रैम दिए गए हैं। फोटो और वीडियो के लिए ओप्पो रेनो में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है। यह कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और वो सोनी IMX 586 प्राइमरी सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ एक 2.4 अपर्चर वाला 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसमें आइकॉनिक साइड स्विंग सेल्फी कैमरा मॉड्यूल भी है। इसमें f2.0 अपर्चर वाले 16 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर की जगह मिली है। सेल्फी कैमरा 5 पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है और सेल्फी पोर्ट्रेट को बेहतर बनाने के लिए AI को इस्तेमाल में लाता है। ओप्पो रेनो की इनबिल्ट स्टोरेज 128GB और 256GB है। कनेक्टिविटी फीचर्स में 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC और USB Type-C पोर्ट शामिल है। फोन की बैटरी 4000mAh की है और यह वुक 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। अब बात ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन की करते हैं। इसमें 6.6 इंच का पैनोरमिक AMOLED डिस्प्ले है। स्मार्टफोन में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। रैम के लिए 2 विकल्प है, 6GB और 8GB। कैमरा सेटअप की बात करें तो ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। एक 1.7 अपर्चर वाला 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX 586 सेंसर है। कैमरा सेटअप में 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर को जगह मिली है। इसमें पेरिस्कोप फोटो लेंस टॉप पर है। साथ में सुपर वाइड एंगल लेंस वाला 8 मेगापिक्सल का तीसरा सेंसर है। हैंडसेट नॉइज रिडक्शन, HDR सपोर्ट और AI आधारित नाइट पोर्ट्रेट मोड के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में साइड स्विंग कैमरा मॉड्यूल है। यह मात्र 0.8 सेकंड में खुलता है। इसे 200,000 बार टेस्ट किया गया है। फोन में 5 पोर्ट्रेट मोड है। ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन की इनबिल्ट स्टोरेज 128GB और 256GB दी गई है। कनेक्टिविटी फीचर्स में 4G LED, Wi-Fi, Bluetooth, ड्यूअल GPS, NFC और USB Type-C पोर्ट शामिल है। फोन की बैटरी 4000mAh की दी गई है और वुक 3.0 के सपोर्ट के साथ आती है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको ओप्पो रेनो के बारे में जानकारी दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए। तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।